Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। तीन नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 4 पर कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद कर्नाटक भर में की अगर बात करें तो 415 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 400 केसेस बेंगलुरु अर्बन के हैं। केसेस के अंदर कर्नाटक के कोविड केस की अगर हम बात करें तो केसेस के अंदर थोड़ा डिप नज़र आ रही है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट अभी भी ऊपर है। सैटरडे के दिन पॉजिटिविटी रेट 2.15% था, जो कि खास करके बात करें अगर हम करें तो बेंगलुरु अर्बन के अंदर जो है केसेस ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं और 429 केसेस वहाँ पर दिखे थे 16,000 सैंपल्स में। पॉजिटिव रेट वहाँ का 2.61% है। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रोटेस्ट हुई नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और राजा सिंह के खिलाफ ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे। जिलानाबाद होरोटा समिति एमएसके मिल सभी लोगों ने मिलकर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पे किए गए, जहाँ पर खुले तौर पर नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की जा रही है। सैकड़ों नौजवानों को जेलों में ठोसा जाता है, सिर्फ एक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ऐसी सरकार पर धिक्कारा है। और आफरीन फातिमा के वालिद को जेल में डालती है और उसके घर पर बुलडोजर चलाती है तो गुलबर्गा से जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया जाएगा और इस गुस्ताख रसूल को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हमारी ये एहतजाजात जारी है। पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही दुनिया में नहीं आए, सारे आलम के लिए आए हैं, वो सबके पैगंबर हैं। कल के प्रोग्राम की हम आपको और हाइलाइट्स लाने, जहां पर अफजल महमूद, हैदर आदिल और हारून खरदी के क्या क्या बयान रहे ये प्रोग्राम के अंदर, जहां पर जेडीएस का एक प्रोग्राम हुआ था मुस्लिम चौक पर, आइए उस बयान पर नजर डालते हैं। बेंगलुरु के पानी के मसले को हल करने के लिए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा बेंगलुरु चली गई। हिजाब के मसले में तमाम तर कांग्रेस के एमएलए खामोश रहे कि कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए सबसे बड़े नाहिल लोग हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो कौम के नहीं है, वो मिल्लत के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हैं। क्या हम लोगों को एक कौम का रहनुमा चाहिए या फिर एक पार्टी का, ये सवाल आप लोगों के सामने है। हर मामले में हमको रोड पे उतारा है। आप देखें 2-3 साल पहले एनआरसी के मसले से जो हम रोड पे हैं, आज तक भी रोड पे हैं। अलन गए थे, वहाँ के जो हालात बिगड़े, जो वहाँ पर तनाव था, 3 दिन के बाद वहाँ पर जाने के बाद मैं वहाँ के हालात को देखकर मेरे अंदर ये फिक्र महसूस हुई कि काश मैं अपने लिए, अपने कौम के लिए कुछ करूँ। आंदोला स्वामी जैसे लोगों की तहनियत करके उसको तोला जाता है, कभी सिक्कों में तोला जाए या फिर पुलों में तोला जाए, लेकिन तोला जब जाता है तो आप ऐसे गंदे और घिनौनी सोच रखने वाले इस मुल्क के माहौल को खराब करने, अमन और अमान की फिजा को खराब करने वालों की, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से किला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उसके बाद हम बात करते हैं, एसआरबी ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था इंटर स्कूल एथलेटिक कंपटीशन चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम के अंदर, जहां पर कई सारे स्कूल पार्टिसिपेट किए और कई सारे अच्छे परफॉर्मेंस यहां पर मिले और कई सारे प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एसआरबी ट्रस्ट की तरफ से, आइए नजर डालते हैं। So it was successfully, we have organized, and today we have come here to our commissioner office, corporation commissioner sir, and he gave us time and felicitated all the students winners. उसके बाद हम बात करते हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पोस्टर कैंपेन रखा गया था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पर, जहां पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम ये बता रही है कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। उन्होंने बताया गया कि स्टॉप बुलडोजर पॉलिटिक्स, इस तरह की बात की जा रही है। सिटी के अक्रॉस के अलग अलग जगहों पर नेशन वाइड में कंडम किया जा रहा है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बुलडोजर पॉलिटिक्स जो की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। इस पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, यहाँ पर सभी मेंबर्स वहाँ पर मौजूद रहे।
उसके बाद हम बात करते हैं यूथ वेलफेयर कर्नाटका ग्रुप, जो कि गुलबर्गा के अंदर फुटपाथ पर, अपा टेंपल के पास, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, हर जगह हिंदू मुस्लिम एक टीम को लेकर एक अच्छा मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर खाना और पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है यूथ वेलफेयर कर्नाटका की तरफ से। MAMPU College is the finest place for opportunities. Here I got the real value of high quality education. I got the real guidance from the qualified lecturers. Study ambience is perfectly commendable and the manifestation of talents and abilities is recognized. We are being groomed to become a responsible citizen of our country. MAMPU College of Science, admissions are open for the academic year 2022-23. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। आज का थॉट ऑफ द डे है, नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम्स टू डिस्टर्ब योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। यानी कुछ तूफान आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को खराब करने नहीं आते, बल्कि आपके रास्ते उनको खोलने के लिए आते हैं। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.